नमस्कार प्यारे बच्चों, एडुला पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। गणित क्लास 8 की वर्कशीट नंबर 33, 26 नंबर की वर्कशीट है घनमूल की शाब्दिक समस्या। ये टॉपिक है, तो देखिए प्रिया की कक्षा की घटना है। प्रिया, आज हमारी टीम ने क्षेत्रीय स्तर पर मेंटल मैथ प्रतियोगिता जीत लिया और सविता ने जितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया ना, मैंने सविता से दुगने प्रश्नों और मेघा ने सविता से तिगने प्रश्नों का सही उत्तर दिया और हम तीनों के बताए गए सही उत्तरों का गुणनफल कितना है, 162। तो तुम बताओ कितने प्रश्नों को किसने सही उत्तर दिया। तो इस सवाल को हम देखो ऐसे कर सकते हैं, मान लेते हैं सविता ने सही प्रश्न का उत्तर दिए पी, नहीं पता ना हमें कितने हैं, लेकिन प्रिया ने उससे दुगने दिए तो उसका हो जाएगा 2p और मेघा ने 3 गुने दिए सविता से ही, तो ये हो जाएगा 3p। ठीक है, अब इन तीनों को गुणा करने पे 162 में दे रखा है, तो ये पी कितनी बार है, 3 बार, तो पी की घात 3 लिख देंगे और 3 दूनी 6। ठीक है, अब 6 को आप इधर भेजेंगे, भाग में चला जाएगा, कट जाएगा, 27 आ गया। पी की घात 3 बराबर 27 है। 27 किसकी घात 3 होता है, आप इसको लिख सकते हो 3 की घात 3। तो देखिए घात सेम है तो पी की वैल्यू हो जाएगी 3, आप ऐसे भी कर सकते हो। तो सविता ने सही उत्तर दिए थे 3, प्रिया ने इसके दुगने दिए थे यानी 6 और मेघा ने 3 गुने यानी 9। अब आते हैं रिया की कक्षा की घटना देखते हैं, चैरिटी से रिलेटेड है। दीदी, हम सभी ने आज प्रधानमंत्री राहत कोष में कोरोना पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ धनराशि दान देने का निर्णय किया है, तो मैंने जितने रुपए दान किए मेरी कक्षा के उतने ही बच्चों ने मेरे बराबर रुपए दान दिए और मेरे विद्यालय की कुल उतनी ही कक्षाओं ने मेरी कक्षा के बच्चों के बराबर धनराशि दी। कुल पैसे दिए गए हैं 3,375 रुपए। आप बताइए कि मैंने कितने रुपए दान किए, मेरी कक्षा के कुल कितने बच्चों ने रुपए दान किए और मेरे विद्यालय में कुल कितनी कक्षाओं ने रुपए दान किए। तो मान लेते हैं कि प्रिया ने धनराशि दान की थी R और उसकी क्लास में दान करने वाले बच्चों की संख्या भी उतनी ही थी कि हमें नहीं पता, और कक्षाओं की संख्या भी उतनी है उस पूरे स्कूल में। अब इन तीनों को गुणा करते हैं तो इतने रुपए दान किए, है ना। तो ये अब इसको हम निकालेंगे, इसका ऐसे फैक्टर करके निकालेंगे, 3, 3, 7, 5 फैक्टर करेंगे तो ये इतना सारा आ जाएगा। 3, 3 का जोड़ा करके आप घनमूल में से निकाल सकते हो, ये 3 एक बार, ये 3 एक बार, 15 आ गया ना बाहर। तो रिया ने धनराशि दी थी 15 रुपए और उसी क्लास में बच्चे भी 15 ही थे और सेक्शन भी पूरे स्कूल में 15 ही थे। कक्षाओं की संख्या जितनी है टोटल कक्षाएं 15 है। अब प्रश्न करते हैं, चौक के घनाकार डिब्बे का आयतन निकालकर 1728 घन सेंटीमीटर, ये है चौक का डिब्बा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाली, तो घन के आकार का है ये, तो लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई होगी, हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, x सेंटीमीटर, तो उसको भुजा ही बोलते हैं, तो भुजा की 3 बराबर होगा 1700, कितना है ये 1728। तो भुजा को मैंने x माना है ना, x बराबर जाएगा इसका घनमूल करेंगे इस तरह से 1728 को, तो कितना आएगा बच्चों, इसको करके देखिए 1728 को ऐसे करिए, कीजिए फैक्टर, 2 8 16, 2 6 12, 2 6 8, 2 6 8, 2 3 6, फिर 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12 और ये 108 आ गया, फिर 54 आ गया, 27 आ गया और इसको भी करेंगे तो 9 और ये 3, 1 2 3 3 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 3 का जोड़ा बाहर निकालना है क्योंकि ये घनमूल का सवाल है, एक बार 2 फिर 1 बार 2 और 1 बार 3 बाहर आएगा, 2 2 4, 4 2 8, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही 8 8 सेंटीमीटर, सॉरी 2 2 4, 4 3 12 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं इसका। चलिए सवाल नंबर 2 देखते हैं, दीपक ने वृक्षारोपण समारोह में जितने पेड़ लगाए उसके दुगने महेश ने लगाए और 4 गुने सुनील ने लगाए, तीनों के लगाए गए पेड़ों का गुणनफल 4096 है, तीनों ने कितने कितने पेड़ लगाए। तो मान लेते हैं, माना दीपक ने
लगाए, पेड़ को ट्री बोलते हैं, जब पीप और पेड़ मिलते हैं ट्री निकली थी। अच्छा, महेश ने कितने लगाए? महेश ने दुगने, यानी दो टी हो गया, और महेश के बाद है सुनील। सुनील ने चार गुने लगाए हैं, उसने चार गुने पेड़ और चार गुने पेड़ सुनील ने लगाए हैं। चलिए चार गुना कर देते हैं इसको भी, पेड़ लगाए चार टी। तो प्रश्न के अनुसार क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए टी क्यू, इनको जोड़ेंगे टी, दो टी मल्टीप्लाई करेंगे और चार टी को, तो 4096 के बराबर आना चाहिए। तो गुणा कर दो इसे, 8 हो गया, टी 3 बार है, यहाँ पे आए 4096। अब इसको उधर भेज देंगे, या 8 से दोनों तरफ आप भाग कर दीजिए तो ये कट जाएगा, तो ये कितना आ गया बताइए, 8 5 40, 8 1 8, 8 2 16, तो डी की घात 3 आ गया, 512। 512 को आप खंड कर सकते हो, घनमूल निकाल सकते हो इस तरह से, तो कितना आ जाएगा आप करके देखिएगा इसको, ठीक है? तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 8 8 8 8, फैक्टर कर लीजिएगा, तो एक बार 8 बाहर आ गया 8, इसका मतलब कि दीपक ने पेड़ लगाए टी, यानी कि 8 पेड़। फिर महेश ने कितने पेड़ लगाए, दो टी थे, 2 गुणा 8 16 पेड़, और सुनील ने 4 गुने, सुनील ने पेड़ लगाए थे 4 गुने, 4 गुणा 8 32 पेड़। तो इस तरह से ये आंसर फिनिश होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। एक शहर के उत्पादन केंद्र में जितने कोरोना के टीकों का उत्पादन 1 घंटे में होता है, कोरोना के टीके 1 घंटे में, उतने ही एक कोरोना के टीके का मूल्य है, यानी जितना उत्पादन होगा उतना उसका मूल्य है, और उतने ही केंद्र उस शहर में, तीनों चीज बराबर है, ठीक है? तो मान लेते हैं कि 1 घंटे में उत्पादित कोरोना के टीकों का कुल मूल्य 2 करोड़ 2 करोड़ 70 लाख है, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम मानते हैं कि कोरोना के टीकों का 1 घंटे में उत्पादन कितना होगा, मान लेते हैं इसको, माना कोरोना के टीकों का 1 घंटे में उत्पादन हमें नहीं पता, एक्स हुआ है। अच्छा, कोरोना के टीके का मूल्य, कोरोना के एक टीके का मूल्य यही है एक्स रुपए। शहर में केंद्रों की संख्या, एक्स है, तीनों बराबर है ना, तीनों ही बराबर है, तो अब इसको गुणा करो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स एक्स और एक्स जो भी नाम देंगे, 2 करोड़ 70 लाख, कुछ ऐसा ही था, 2 करोड़ 70 लाख, 2 करोड़ 70 लाख हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, घनमूल निकालेंगे, तो एक्स की 3 हो गया ये, बराबर 2 करोड़ 70 लाख, तो एक्स बराबर हो गया, घनमूल में चला गया ये, ठीक है? अब इसका खंड कर दीजिए, 27 का तो हो जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3, और कितनी जीरो है आप जीरो को अलग अलग कर दीजिए, 6 जीरो है ना, 6 बार 0 ऐसे ऐसे लिख दीजिए, क्लियर है? अब कॉमन निकालिए, ये 3 3 का जोड़ा, ये मैंने फालतू लिख दिया, इसको हटा देते हैं, तो ये आ गया आपके पास 3 गुणा 10 गुणा 10, 100 300। इसका मतलब कोरोना के टीकों का उत्पादन 1 घंटे में 300 है, उतना ही एक टीके का मूल्य है और उतने ही शहर हैं, तो ये आंसर आ गया, क्लियर हो गया आपको? तो मेरे ख्याल से आप ये सारे सवाल कर पाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर।